तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर आपका बॉक्स है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को पूरा चारों ओर से आपको ऑल अराउंड उसको टेप से आपका घेरना है, जिसका साइड दिया है आपका 40 सेंटीमीटर और एक साइड दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। अब याद रखिए कि जो लेंथ वाली साइड होती है वो बड़ी होती है हमेशा क्या आपकी ब्रेथ के साइड से, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। तो हमारे पास दो हिंट है आपका, ठीक है, कि लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है आपका क्या 10 सेंटीमीटर। अब बोला है कि ऑल अराउंड चारों ओर से उसको टेप से लपेटना है, मतलब उसकी बाउंड्री को घेरना है, ठीक है उसकी। तो इससे क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही रेक्टेंगल का बताया था, आपको क्या होता है 2 ब्रैकेट में L+B। तो अब आपको आंसर लिखना है, तो आप लिखेंगे देयर फॉर द लेंथ, आप यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखें क्योंकि अंतिम में क्या पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ टेप। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड और फॉर्मूला लिख देंगे 2L+P। अब यहाँ आप कर देंगे आपका, ठीक है, 240 + 10। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 50। अब ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई का साइन, अब इसको मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो 2 और 50 का टेबल आप पर 52 जा होता है आपका क्या 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको जो है इसके चारों ओर अगर आपको टेप लगाना है तो आपको 100 सेंटीमीटर का टेप इसके चारों ओर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है एक टेबल टॉप है आपका, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक टेबल टॉप, मतलब टेबल जानते हैं जिस पे हम लोग बैठ के पढ़ते भी हैं, ठीक है, इस तरह से आपका टेबल टॉप दिया है। कहा है कि उसका मीजर जो दिया है, मतलब नाप जो दिया है, वो दिया है एक साइड का 2 मीटर आपका 25 सेंटीमीटर और एक साइड का दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ आपका टेबल टॉप, पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है और यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट दियो कि मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर ले, तो लेंथ लिखते हैं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होगा। तो हम 2 मीटर को हम क्या करते हैं, 2 मीटर में कितना होगा, तो 2 मीटर में आपका होगा 200 सेंटीमीटर और 25 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो आ जाएगा आपका लेंथ जो है 225 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ जो होगा आपका अगर हम लिखते हैं तो ब्रेथ दिया है 1 मीटर और क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। तो अब इसको अगर करेंगे तो ये होगा 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 50 इससे जुड़ जाएगा आपका, तो 150 सेंटीमीटर इसका आ गया ब्रेथ। तो चलते हैं आपका फिगर मैंने यहाँ का इरेज कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग को मिल चुका है ब्रेथ और लेंथ भी मिल चुका है, तो हम लोग पेरीमीटर आपका निकालते हैं। पेरीमीटर का आपका फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में L+B। अब लिख देते हैं 2 × 225 प्लस हमने लिख दिया 150 आपका, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपका, 225 और 150 को जोड़ते हैं आपका, तो 5 5 2 7, ठीक है, 2 1 3, तो 325 आपका आया। अब 2 लिखा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई 375, तो 375 का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किससे, 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15 1 कैरी, 2 3 जा 6 6 7, तो आया आपका 750 सेंटीमीटर आपका, उसका आपका लेंथ। अगर सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 100 से अगर आप डिवाइड करें तो इसका 7.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा।